हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। आप सभी को पता है कि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं पूरी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस आपको पूरी बात समझ आ जाने वाली है। हम टाइम क्लोज नहीं करते, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस डेरिवेशन का नाम है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये माध्यम आपका जो है आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। ये आपका एक गोली अवतल पृष्ठ है, ठीक है, ये इसका आपका परावर्तक तल है, इसी को हम बोलते हैं गोली अवतल पृष्ठ। और ये एक कांच का काटा गया भाग है, ठीक है, और इस अवतल पृष्ठ का जो ध्रुव है ये आपका है पी। चूंकि ये एक गोले का भाग है तो इसका जो केंद्र है वो आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र आपका सी है इस अवतल पृष्ठ का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, जो ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वो आपका एन वन है, और जो ये आपका सघन माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका एन टू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक हम वस्तु रखते हैं, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। आप जानते हो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणें गुजारी जाती हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण हम इस अवतल पृष्ठ पर आपतित करते हैं, तो ये किरण गई, ठीक है, और इस अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित हो गई। अब यहां पर यह आपतित हुई, ये आपका आपतन बिंदु हुआ ए, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इस आपतन बिंदु के लिए हम अभिलंब खींचेंगे, तो चूंकि जो ये आपका गोली अवतल पृष्ठ है ये एक आपके गोले का भाग है, यानी ये एक आपके गोले की परिधि पर ये बिंदु स्थित है, और आप जानते हो कि गोले की परिधि पर अगर हमें अभिलंब खींचना है तो वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो इसके लिए जो हम अभिलंब खींचेंगे तो ये आपका सी से होकर जाएगा, तो ये हम अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ पर ये एक आपका अभिलंब हमने खींच दिया इस बिंदु पर, ठीक है, और ये अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर क्यों जाता है मैंने बताया, क्योंकि ये गोले की परिधि है और गोले की परिधि के लिए जो भी अभिलंब खींचा जाएगा वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखिए, तो वस्तु से चलने वाली ये किरण जब इस बिंदु पर आपतित हुई तो आपतित होने के पश्चात देखिए इसका मार्ग क्या था। इसका मार्ग तो ऐसे था, ये सीधे ऐसे निकल जाती, ठीक है, ये ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में क्या कर दिया, बीच में इसका माध्यम चेंज कर दिया। अब चूंकि ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो भाई ये अभिलंब है आपका, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती लेकिन ये विरल से सघन माध्यम में जा रही थी, इसलिए अभिलंब की ओर आपकी ऐसे झुक गई, ठीक है, ये अभिलंब की ओर आपकी झुक गई किरण, इसको हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। आप इस गोली अवतल पृष्ठ को भी नाम दे सकते हो एस एस डैश, ये आपका गोली अवतल पृष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आपका अभिलंब है C, इसका नाम दे दीजिए आप M, ये CM आपका अभिलंब है। इस बिंदु A से हमने इस रेखा पर एक लंब खींच दिया, और यहाँ पर जो बिंदु आपका N है वो आपका बिंदु P के बहुत समीप माना जाएगा, यानी जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी वहाँ पर N के स्थान पर हम P रख सकते हैं और P के स्थान पर N रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु N जो है वो इस ध्रुव के बहुत समीप है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखें तो इस वर्ष चलने वाली पहली किरण तो ऐसे गई और ये थोड़ा सा अपवर्तित हो गया क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। अब इस वर्ष चलने वाली जो दूसरी किरण है वो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देखिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए वह सीधी रेखा में निकल जाती है, तो ये रेखा आपकी हो गई पी क्यू जो कि वक्रता केंद्र से होकर गई इसलिए सीधी रेखा में निकल गई। अब ये दोनों किरण देखिए, वर्ष चलने वाली पहली किरण ये आपकी ऐसे निकल गई यानी उधर की ओर जा रही, और ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही, यानी दोनों किरणें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और जब काटेंगे नहीं तो आपका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस किरण को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें एक दूसरे को मान लीजिए इस बिंदु आई पर काट रही हैं, देखिए इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया इस किरण को, ठीक है,
इस किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया और इस किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पर काट रही थी, जहां पर इस बिंब का या वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे को अपने मन से नहीं काट रही थी, बल्कि हमारे द्वारा बढ़ाए जाने पर काटी। ठीक है, तो जब हम दोनों किरणों को बढ़ाकर एक दूसरे को कहीं पर कटवाते हैं तो इसका मतलब वहां पर आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और जब दो किरणें एक दूसरे को अपने आप काटें, किसी वर्ष चलने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर अपने आप काटती हैं, तो वहां पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही थी, हमने जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया और इसको पीछे की ओर बढ़ाया तब दोनों एक दूसरे को आई पर काटती हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो आपका OA है और जो आपका IA है और जो आपका CA है, ये इस मुख्य अक्ष से अल्फा, बीटा और गामा कोण क्रमशः बनाती हैं। ठीक है, जो ये रेखा आपकी OA है आपतित किरण और जो IA है और जो CA है, ये तीनों किरणें इस मुख्य अक्ष से अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती हैं। अब एक बात का और ख्याल रखिए, ये वस्तु चलने वाली किरण जो है वो इस पृष्ठ पर आपतित हुई है और ये भैया आपका अभिलंब है। आप सभी को पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपका आपतन कोण होता है। तो ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण, तो जो ये एंगल होगा टोटल, ये पूरा एंगल, ये एक आपका आपतन कोण होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये किरण ऐसे ही उसके बाद अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब इस किरण को मैंने इधर आगे की तरफ बढ़ाया है, तो ये अपवर्तित किरण ही तो मैंने आगे की ओर बढ़ाया है। अब ये जो अपवर्तित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण आई है आई बिंदु पर, और जो ये आपका अभिलंब है, इसके बीच जो ये कोण बनेगा वो आपका कैसा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका अपवर्तन कोण बनता है। तो ये एंगल आपका अपवर्तन कोण होगा और ये पूरा एंगल आपका आपतन कोण होगा, क्योंकि ये आपतित किरण और ये अभिलंब है। क्लियर, तो ये कोण आपका आई हो गया, ये कोण आपका आर हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इस त्रिभुज OAC से, OAC से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में। देखिए क्लास टेंथ में आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी है कि जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं त्रिभुज यहाँ पर देखूँ OAC, ये त्रिभुज देखूं OAC में, तो जो अल्फा कोण है और जो ये आपका कोण आई है टोटल इस त्रिभुज के लिए, OAC के लिए ये आपके अंतः कोण है और ये आपका जो गामा है वो बाह्य कोण है। ठीक है, यानी जो गामा कोण होगा वो अल्फा और कोण आई के योग के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि जो गामा कोण है वो कोण अल्फा और आई के बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे IAC। कौन सा त्रिभुज लेंगे? IAC में, त्रिभुज IAC में देखिए, तो जो ये बीटा कोण है और जो ये आपका कोण R है, ये आपके अंतः कोण होंगे और जो गामा होगा वो आपका बाह्य कोण होगा। तो जो गामा होगा वो बीटा और R के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो गामा होगा वो बीटा प्लस आर के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसको आप समीकरण दो मान लीजिए और यहाँ से भी आप कोण आई का मान निकाल लीजिए, तो आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब आपको यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता चल गया, तो आप क्या लगाओगे? स्नेल का नियम लगाओगे। लिखोगे स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक। तो किस माध्यम में जा रही है? N2 में, तो इसका अपवर्तनांक आपका N2 है। ठीक है, सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। और जिस माध्यम से जा रही है बटे उसका अपवर्तनांक लिखते हैं, तो किस माध्यम से जा रही है? विरल माध्यम से, जिसका अपवर्तनांक N1 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करेंगे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा N1 साइन आई इक्वल टू N2 का गुणा R से हो जाएगा N2 साइन R। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये मान लूँ कि जो ये आपका गोली पृष्ठ है इसका व्यास बहुत छोटा है, क्या यहाँ पर लिखेंगे कि यदि गोली पृष्ठ का जो व्यास है, गोली पृष्ठ का व्यास
बहुत छोटा है, अगर गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो जो बिंदु A होगा वो बिंदु P के बहुत करीब होगा, यानी समीप होगा। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, मैं मान के चलता हूँ कि ये जो गोली पृष्ठ है यदि इसका व्यास बहुत छोटा है तो जो बिंदु A होगा वो बिंदु P के बहुत समीप होगा, और जब बिंदु A बिंदु P के समीप होगा तो जो आपका कोण I होगा और जो कोण R होगा वो तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। और जब कोण ये आई और आर बहुत छोटा हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि साइन आई आई के बराबर हो जाता है, साइन आर आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे तब आई व आर बहुत छोटे कोण होंगे, बहुत छोटे कोण होंगे। इस स्थिति में जो साइन आई होता है वो आई के बराबर होता है और जो साइन आर होता है वो आर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तब देखिए हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा n1 और साइन i के स्थान पर i लिख देंगे और n2 और साइन r के स्थान पर हम r पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम i और r की वैल्यू समीकरण एक व दो से पुट कर देंगे। समीकरण एक से i की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, समीकरण दो से r की वैल्यू गामा माइनस बीटा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से i व r के मान रखने पर, मान रखने पर, यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं तो n1 है, n1 लिखेंगे, i i की वैल्यू समीकरण से गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे गामा माइनस अल्फा इक्वल टू, ठीक है। n2 n2 लिखेंगे और n2 में r है, r की वैल्यू समीकरण दो से है गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे गामा माइनस बीटा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। हम क्या करेंगे, n2 बीटा को इधर ले आएंगे, ठीक है, और n1 गामा को हम उधर लेकर चले जाएंगे, इधर गामा है ना, तो n2 बीटा इधर आएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा n2 बीटा और माइनस का n1 अल्फा इक्वल टू ये n2 गामा हो जाएगा और ये n1 गामा उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा n1 गामा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको और आगे इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा n2 बीटा माइनस का n1 अल्फा इक्वल टू, इन दोनों में हम गामा कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है। यहाँ आप देखिए तो आपकी एक समीकरण बन गई, इसको हम मान लेंगे समीकरण तीन, इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी ये समीकरण है, इसको आपको ध्यान रखना, ये आपकी समीकरण हो गई तीन। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के कोणों को ज्ञात करेंगे। अल्फा बीटा गामा कोण आप देख सकते हो कि ये रेखा जो है इस मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है। देखिए आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ा है कि आपका यदि कोण बहुत छोटा बनता है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो थीटा के स्थान पर हम साइन थीटा लिख भी सकते हैं और साइन थीटा के स्थान पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा के स्थान पर हम थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा के स्थान पर आवश्यकता अनुसार हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार टैन थीटा के स्थान पर हम थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा के स्थान पर हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, यदि आपके कोण बहुत छोटे हैं। ये त्रिकोणमिति चैप्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने अभी आपको बताया कि जो ये गोली अवतल पृष्ठ है इसका व्यास आपका बहुत छोटा है लिखा है, यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, तो गोली पृष्ठ का व्यास अगर छोटा है तो जब कोण आई और आर छोटे बन रहे थे तो क्या कोण अल्फा बीटा गामा छोटे नहीं बनेंगे, तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे कोण होंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू हम मान के चलेंगे कि ये आपकी टैन अल्फा के बराबर है, और उसके बाद यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस समीकरण तीन में पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए ध्यान से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि जो गोली पृष्ठ का व्यास है, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, क्या भाई बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा बीटा गामा कोण बहुत छोटे होंगे, क्या होंगे भाई बहुत छोटे होंगे, अल्फा बीटा और जो गामा कोण है वो आपके बहुत छोटे होंगे। तो यहां पर हम अल्फा के स्थान पर मान सकते हैं टैन अल्फा, हमने कहा कि आवश्यकता अनुसार माना जा सकता है,
टैन अल्फा को अल्फा माना जा सकता है, अल्फा को टैन अल्फा माना जा सकता है। तो टैन अल्फा लेंगे, देखिए त्रिभुज ओ ए एन में हम क्या लेंगे, टैन अल्फा लेंगे। ये जो दूरी है वो आपकी मान लीजिए ए से लेकर एन तक की एच है। आप देखिए आपकी किरण जो है इस डायरेक्शन में आपतित हो रही, और आप जितनी भी दूरियां लेंगे वो आप इस डायरेक्शन में लेंगे या विपरीत डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पर आपका दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चूंकि आपतित कोण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। पी से लेकर आई यानी प्रतिबिंब की दूरी आपकी माइनस भी हो जाएगी क्योंकि आप विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हो। इसी प्रकार जो वस्तु की दूरी आपकी हो जाएगी वो माइनस का यू हो जाएगी पी से लेकर। ये सारी दूरी आपको यहाँ पर अभी पुट करनी है। तो टैन अल्फा बराबर देखिए ये आपका कोण हुआ तो ये आपका लंब होगा और आधार आपका यानी ए एन और बटे में ओ एन, ठीक है, कितना हो जाएगा लंब ए एन और बटे में ओ एन। मैंने आपको बताया कि जो एन बिंदु है वो पी के बहुत समीप है तो एन के स्थान पर पी लिखा जा सकता है, यानी ओ एन के स्थान पर हम ओ पी लिख सकते हैं लगभग, क्योंकि एन बिंदु पी के बहुत समीप है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एन और बटे में ओ पी। और ए एन की अगर हम बात करें तो ए एन आपका है एच, और अगर हम ओ पी की बात करें ओ से पी तक की दूरी तो ध्रुव से वस्तु की दूरी आपकी माइनस यू है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस यू। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बीटा के स्थान पर हम लिखेंगे टैन बीटा और त्रिभुज लेंगे आई ए एन, आई ए एन त्रिभुज लेंगे। तो देखिए ये आपका बीटा कोण है, बीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, आप जानते हो कि टैन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब आपका हो जाएगा ए एन और बटे में आधार आपका हो जाएगा आई एन, और आई एन लगभग हो जाएगा आई पी के बराबर क्योंकि एन बिंदु जो है पी के बहुत समीप है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं आई पी। ए एन की वैल्यू आपकी कितनी है एच है, और अगर IP की बात करें तो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की बीच की दूरी कितनी है आपकी माइनस का V, ठीक है। इसी प्रकार हम गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे टैन गामा लिखकर, टैन गामा इक्वल टू देखिए यहाँ पर गामा कोण बनना है, ये लंब हो गया H, और आधार बात करें तो CN, CN लगभग बराबर हो जाएगा CP के, ठीक है। तो P से C तक की दूरी कितनी है आपकी माइनस R, तो ये आपका हो जाएगा H और बटे में माइनस R। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण तीन में रख देंगे। इधर थोड़ा और रफ करेंगे, लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन है आपकी एन टू बीटा माइनस का एन वन अल्फा इक्वल टू गामा एन टू माइनस एन वन, ठीक है। तो चलिए समीकरण में हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका हो जाएगा एन टू, बीटा की वैल्यू कितनी है ये एच अपान माइनस का वी, तो यहाँ पर लिखेंगे एच अपान में माइनस का वी माइनस एन वन। अल्फा की वैल्यू आपकी आई है एच अपान माइनस का यू, तो हो जाएगा एच अपान में माइनस का यू, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका यू हो गया। इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू है एच अपान में माइनस का आर, और ये आपका हो जाएगा एन टू माइनस का एन वन, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी अगर आप इधर ध्यान दे रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि एक एक स्टेप में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, इधर से आपको h का मान मिल जाएगा, इधर से आपको h का मान मिल जाएगा, या h हाई है इधर अंश में तो h हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा n2 और बटे में माइनस v और प्लस n1 और बटे में u इक्वल टू h अपान में माइनस का r, ये हो जाएगा n2 माइनस का n1। ये देखिए तो h से h दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए इस माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n2 बटे में v, क्योंकि माइनस इधर ला रहे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा n1, ये आपका n1 है भाई, n1 बटे में u इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ऊपर n2 माइनस का n1 और बटे में आपका r हो जाएगा, माइनस इधर हम लेकर चले गए। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आपको ये चीज़ मिल गई, ये आपका सूत्र है, जहाँ n1 क्या है विरल माध्यम का अपवर्तनांक, और जो N2 जो है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो गोली उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए हम इस सूत्र को अपनाते हैं, याद रखना, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो गोली उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो दोनों के लिए हम इस सूत्र को अपनाते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो जहां पर n2 होता है वहां पर हम n1 रख देते हैं, और जहां पर n1 होता है वहां पर हम n2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखकर और आपको बता दे रहा हूं,
तो ये विरल से सघन माध्यम के लिए हो गया क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही। तो यहां पर आप लिखिए यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, माध्यम में जा रही हो, तो जो n1 होगा वो रिप्लेस कर देंगे हम n2 से, और जो n2 होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, n1 से। ठीक है, यानी जहां पर n2 वहां पर n1, जहां पर n1 वहां पर n2 रख देंगे। तो ये सूत्र बन जाएगा, n2 था यहां पर n1 रख दिया, n1 बटे में v माइनस यहां पर n1, यहां पर रख देंगे n2 और बटे में u इज इक्वल टू, ये आपका n2 तो ये आपका हो जाएगा n1 माइनस n1 है तो ये आपका हो जाएगा n2 और बटे में r। तो याद रखना जब प्रकाश की किरण आपकी विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, और जब प्रकाश की किरण हमारी सघन से विरल माध्यम में जाएगी उल्टा तो आप इस सूत्र को अप्लाई करोगे। समझ गए पूरी बात? ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के निगमन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आई होप आप सभी लोगों को पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।